हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस सिंगल पल्ले दरवाजे के बारे में बताने वाला हूँ। इसे हमने कैसे बनाया था और क्या क्या लगाया, सारा डिटेल दूंगा। और वीडियो पसंद आएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ यूनिक डिज़ाइन हमने बनाई है, देखिए पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमने कैसे बनाया पूरा वीडियो बताता हूँ और क्या क्या किया हम पूरा बता रहा हूँ। देखिए, ये सिंगल पल्ला है 6x3 का। ठीक है, इसका ये सिर्फ पल्ला है दोस्तों, फ्रेम इसका तीन टंगा जो होता है ऑलरेडी उसके जो क्लाइंट है उसके घर पे लगा हुआ है। तो हमने इसका पल्ला बनाया है और देख लीजिए, पल्ला सिंपल सा बना हुआ है, एंगल 35.5 के एंगल से, मतलब सवा के एंगल से पूरा फ्रेम बना है। और इसमें 14 गेज की चादर लगा के हमने बनाया है। ठीक है, इस तरह हमने पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी है, मार्किंग करने का है चारों कोने से करके और सेंटर से आप मार्किंग कर दीजिएगा। मार्किंग एकदम आसान है, तो इस तरह मार्किंग कर लीजिए। ठीक, और इसका जो चक्र जो मैंने लगाया है ओम और स्वस्तिक, ये 7 इंच वाले हैं। ठीक है, तो 7 इंची के हिसाब से आप उसके ऊपर का राउंड पहले एक सरिया मोड़ लीजिएगा, उसके बाद उस बीच में बॉल लगाए हैं। पूरा देखिएगा, दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें हमने कैसे बना रहे हैं, देखिए जो चक्र लगा है वो 7 इंच का लगा है, तो उसमें एक सरिया हमने 2.5 फुट की, इसमें 2.5 फुट की सरिया टोटल यूज है 8 mm वाली। ठीक, उसके बाद मैंने बॉल लगाना है, बॉल लगाने के बाद इस पर 2 इंच का गैप करके मैंने फिर एक रिंग बनाया। ठीक, उसके बाद ये साइड साइड चारों तरफ से हमने ये 2.5 फुट के सरिए का डिज़ाइन किया हुआ है, सेम इसके ऊपर भी कर रहे हैं। देखिए, और इस तरह हमने पहले इसको टाके लगा दिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, जब भी अगर आप चादर पर इस तरह करें तो पीछे से सपोर्ट जरूर लगाइएगा, नहीं तो ये पल्ला आपका ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह बनाने के बाद पीछे से सपोर्ट जरूर डालिएगा, नहीं तो आपका पल्ला ट्विस्ट हो जाएगा, तो फिर लगाने के बाद आपको टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, या तो सीधा भी करना पड़े तो सीधा कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप लोग पहले इसको टाका वाका लगा लें। और कास्टिंग में वेल्डिंग थोड़ा मजबूत मारिएगा, क्योंकि कास्टिंग में वेल्डिंग अच्छे से पकड़ता नहीं, अगर आप झटके से पटकेंगे भी तो कास्टिंग टूट के निकल सकती है, इसलिए इसको चारों तरफ से प्रॉपर वेल्डिंग कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का देख लीजिए, मैं जो बता रहा था आपको बॉल लगाने वाला, देख लीजिए इस तरह बॉल लगा लीजिएगा और इस तरह का आपको राउंडिंग करना है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइन आपको किसी को बनाना तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने यहाँ किसी बना सकते हैं, मिस्त्री लोग हैं तो अपने घर पे बना सकते हैं, या कोई क्लाइंट को अपने घर पे इस तरह का फैंसी दरवाज़ा लगाना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आसपास किसी भी मिस्त्री से बनवा सकते हैं। एकदम आसान है और कोई भी मिस्त्री इसको देखते एक बार में बना लेगा। ठीक है दोस्तों, ये आसान है, कुछ अलग तरीके का मैंने बनाया है, तो आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और देखिए, और एक चीज़ बताऊँ, इस तरह का कोई भी दरवाज़ा बनाइएगा तो उसके पीछे का सपोर्ट लगाना भूलिएगा मत। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये देखिए, हम लोग इसमें पीछे की मैं 1.5 की पट्टी लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रांग पट्टी रहेगी तो ये जल्दी ज़्यादा बेंड वेंड नहीं होगा, क्योंकि ये ना अगर आगे लग जाने के बाद हीट वेल्डिंग करने से हीट होता है, हीट होने से आपका पल्ला थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, इसीलिए पीछे से सपोर्ट लगा दीजिए। और हम लोग इसमें फूल भी लगा रहे हैं, देखें एक पल्ले एक एक पट्टी पर 4-4 फूल लगा रहे हैं, इसमें टोटल 16 फूल लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ। ये रहा मेरा वर्कशॉप, मेरा नाम है मुकेश चौहान और मेरे वर्कशॉप का नाम है हाईटेक इंजीनियरिंग वर्क्स। देख लीजिए, इसे मैंने अभी खड़ा करके आपको टोटल वीडियो दिखा दे रहा हूँ आगे पीछे दोनों तरफ से। देखिए कैसा लुक आ रहा है, और इसमें ऊपर की तरफ मैंने ओम किया है, नीचे की तरफ स्वस्तिक किया है। ठीक है दोस्तों, आप आपकी इच्छा, आप ऊपर ओम कर सकते हैं या स्वस्तिक लगा सकते हैं, नीचे ओम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या आपको जैसा पसंद हो उस तरह लगाइए। ये दरवाज़ा हमने सिर्फ पल्ला बना के दिया है, इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन करने हम लोग खुद जाके करेंगे। ठीक, तो मैंने अपने बंदे लोगों को भेज के इसको मैं इंस्टॉलेशन खुद कराऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ पल्ले का मैंने पूरा बनाया हुआ है। देखिए, मैं जो आपको गोली बोल रहा था, देखिए इस तरह आपको बॉल लगाना है, ये 1/2 इंच का बॉल मैंने लगाया हुआ है, और इस वक्त जो भी हमने चारों कोना मार्किंग किया था उसी मार्किंग पर ही लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहीं अलग से मार्किंग नहीं किया मैंने, जो आपको पहले मार्किंग कर रहा था उसी हिसाब से सारा लगा हुआ है। आपको दिखाई भी दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा ध्यान से नीचे वाले में देख लीजिए या वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके बैक का भी दिखा देता हूँ। मैंने जो आपको बोला था कि 16 फूल लग रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देखिए बैक से है, इसमें मैंने कहा था आपको ना कि एक पट्टे पे हमने 4-4 फूल लगाए, देखिए ये वाला फूल लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह सपोर्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका पल्ला बेंड हो जाएगा, बस यही मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें हैंडल कब्जा है और सब कुछ वहाँ पर जाके कस्टमर के घर पर जाके लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह का कोई भी आपको काम कराना होगा तो मुझसे कराना हो तो मेरा वर्कशॉप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है, और मेरी वर्कशॉप का नाम हाईटेक इंजीनियरिंग वर्क्स है। और मेरे पास CNC लेजर, CNC राउटर मशीन है, हम लोग ज़्यादा करके लेजर कटिंग का काम करते हैं और इस तरह का फैंसी डिज़ाइनों भी बनाते हैं। तो अगर ऐसा कोई डिज़ाइन बनाना भी होगा तो मुझे फ़ोटो दीजिएगा, मैं बना के भी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको डोर विंडो रेलिंग किसी भी डिज़ाइन चाहिए होगा, फैंसी चाहिएगा, लेजर में चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैटलॉग शेयर कर दूंगा। मैं कैटलॉग का कोई चार्ज नहीं करता हूं दोस्तों, तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। और मुझसे बनवाना होगा तो मेरा वर्कशॉप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है, तो आजमगढ़ के आसपास जिलों में मैं कई जिलों में भेजता भी हूँ। अगर आप लोग ऐसा कुछ रहे तो इंक्वायरमेंट तो याद कर सकते हैं। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।